वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। तो में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान रखिए हेलो वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विस बैकअप चैनल मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने रॉक्स पढ़ना स्टार्ट किया था ठीक है हमने क्या देखा था की जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो किससे बना है अर्थ का क्रस्ट क्या होता है रॉक से बना होता है ठीक है या फिर जो भी हार्ड या सॉफ्ट मटेरियल जो क्रस्ट का होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम रॉक बोलते हैं क्या बोलते हैं रॉक बोलते हैं ठीक है थीके? अब हमने क्या देखा था कि टोटल जो है एट मेजर रॉक्स हैं मेजर रॉक एलिमेंट है ठीक है थीके? जो जिससे रॉक का फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन से आपके ऑक्सीजन है सिल्कन है एक ऑक्सीजन है सिल्कन है एलमिनियम है आयरन है फिर आपका कैल्शियम आता है सोडियम आता है पोटाशियम आता है और मैग्नीशियम आता है ठीक है इन्हीं आठ मेजर ठीक है आठ मेजर जो रॉक्स फॉर्म एलिमेंट है, वो यही है जिनमें से आपका ऑक्सीजन सिल्कन अल्मीनियम आयरन यही आपका लगभग चारों नाइन्टी परसेंट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक के लिए जिम्मेदार होते हैं ठीक है थीके? कौन कौन से ऑक्सीजन सिलकन एल्युमिनियम और आयरन ठीक है फिर आपका क्या देखा था हमने कि छह मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रॉक्स में पाए जाते हैं सिक्स मिनरल्स ठीक है जो बहुत रॉक में पाए जाते हैं मोस्टली जो है यही रॉक्स में पाए जाते हैं वो कौन कौन से आपके फेल्सपार है फिर आपका क्वाड्स है फिर आपका पायरोक्सिन है एम्फीबोल है आपका माइका है फिर आपका ओलीवाइन है ये छह मिनरल्स हैं जो एक्सक्लूसिवली रॉक में पाए जाते हैं ठीक अब रॉक का क्लासिफिकेशन जो कि बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका इससे ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वो किस तरीके से रॉक का फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से रॉक कितनी कैटेगरीज में रॉक्स को डिवाइड किया गया है तो तीन कैटेगरी में कितने में तीन कैटेगरी में रॉक का डिविजन हुआ है कौन कौन से आपका हुआ इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामोफिक रॉक कौन कौन से रॉक Uh, के फॉर्म में डिवीजन हुआ है रॉक का इग्नियस सेडिमेंटरी और ठीक है चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले आपका था इग्नियस रॉक ठीक है <laughs> या फिर इग्नियस रॉक तो क्या होता है इग्नियस रॉक या फिर uh, ये जो रॉक का फॉर्मेशन है इग्नियस वाला ये किस तरीके से होता है अब इग्नियस का मतलब क्या होता है इग्नियस एक लैटिन वर्ड से डिराइव इग्निक से वर्ड लिया गया है जिसका मतलब होता है फायर अब ये फायर क्या ये रॉक कैसे फॉर्म होते हैं जो हमारा मोल्टन मैग्मा निकलता है ना अर्थ के क्रस्ट से ठीक है वॉलकैनो जब फटता है या फिर कुछ भी ज्वालामुखी आती है तो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है ना अर्थ के कोर से या अंदर से डीप इन साइड फ्रॉम डीप डेप्थ ऑफ द अर्थ मोल्टन मैगमा बाहर आता है वो बाहर आने के बाद जब वो ठंडा होता है ठीक है तो वो कैसा हो जाता है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है वो रॉक फॉर्म में हो जाता है या फिर क्रिस्टलाइन हो जाता है ठीक है कैसा वो क्या होता है द रॉक आर फॉर्म बाई कूलिंग सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉल्ट हॉट एंड मोल्टन मैगमा फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट ठीक है इसको क्या बोलते हैं जो जो हमारा ये सारा मैग्मा है वो जब अर्थ क्रस्ट जो अर्थ के क्रस्ट है उसके बिलो जो फॉर्मेशन होता है ये मैग्मा का उसमें जब ये सॉलिड ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाता है क्रिस्टलाइज हो जाता है तो क्या बोलते हैं ऐसे फॉर्मेशन को ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक दीज आर ऑल्सो नोन एज इनको और क्या बोलते हैं इनको पेरेंट रॉक बोलते हैं या प्राइमरी रॉक बोलते हैं ठीक है थीके? या फिर बेसिक रॉक क्योंकि क्या होता है दीज रॉक वे फर्स्ट टू बी फॉर्म एंड सप्लाई रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अदर रॉक टू बी फॉर्म क्या है ये पहले रॉक हैं जिनका फॉर्मेशन होता है और यही जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो दूसरे रॉक्स के फॉर्मेशन के लिए जो है प्रदान करते हैं सप्लाई करते हैं ठीक है नो स्ट्रैट एंड ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड अब क्या है इनका कोई भी स्ट्रटाइफ फाउंड नहीं होता और 90 परसेंट जो आपका अर्थ क्रस्ट है हमारा वो इन्हीं रॉक से बना होता है ठीक है क्या होता है इन्हीं रॉक से बना होता है हमारा 90 परसेंट जो हमारा अर्थ क्रस्ट है इन्हीं रॉक से बना होता है ठीक है तो इग्नियस रॉक क्या हो गया जो हमारे मोल्टन मैग्मा है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है नीचे डेप्थ ऑफ द अर्थ उनके उन उस मोल्टन मैग्मा के कूलिंग के बाद जो सॉलिडिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन होके जो फॉर्म रॉक की

तो वेन हॉट एल मॉन्टल मैगमा मॉल्टन मैगमा गेट सॉलिड बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ इट इज कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक अब ये जो हमारा मैग्मा है ठीक है हॉटल जो लावा है जिसे हम कहते हैं वो जब हमारे धरती की सतह के अंदर ही सर्फेस के अंदर ही क्या होता है ठंडा हो जाता है ठीक है और किस किसका फॉर्मेशन ले ले रॉक का फॉर्म ले ले तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं ठीक ये फर्दर आपके दो पार्ट्स में होते हैं ठीक कौन कौन से प्लूटोनिक और हाइपर बैसे प्लूटॉनिक क्या होता है दीज आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा वेरी डीप इन साइड द अर्थ द वर्ल्ड प्लूटॉनिक फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लूटो व्हिच मींस द रोमन गॉड ऑफ द अंडर वर्ल्ड ग्रनाइट रॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक अब प्लूटोनिक रॉक क्या हुआ जो मैग्मा हमारा सॉलिडिफाई होता सॉलिडिफाई uh, तो होता ही है अर्थ के नीचे बिलो द अर्थ क्योंकि इंट्रूसिव इग्नेस रॉक है बट बहुत ज्यादा डेप्थ में जो मैग्मा सॉलिडिफाई होता है वेरी डीप इन द अर्थ ठीक है वेरी डीप उन टाइप के रॉक्स को हम क्या बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक ये जो हमारा वर्ड है प्लूटोनिक से 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 डिवाइड हुआ प्लूटो प्लूटो ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है रोमन अंडरवर्ल्ड गॉड ठीक है अंडरवर्ल्ड के रोमन गॉड ठीक इसका एग्जाम्पल मेजर इंपॉर्टेंट है क्या है ग्रेनाइट रॉक आपका प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है या फिर आप इसको इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल भी मान सकते हैं नहीं तो फर्दर क्लासिफिकेशन में प्लूटोनिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है

मोटा तौर पे इंट्रूसिव वीकनेस रॉक के ठीक है थीके? जो एक्सक्लूसिव वीकनेस रॉक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हुआ कोई भी डाउट होगा स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग